हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है शनिवार, 22 तारीख है शायद। तो आज स्पेनिश राइडर जो थे हमारे निकी भाई, वो आ रहे हैं आज घर पे, क्योंकि मैंने उनको खाने वाने बुलाए। कल मैं उनसे मिला रीवा में। क्या है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, तब उस टाइम पे मैं शायद बाहर गया होता, शायद भोपाल गया होता या कुछ ऐसा, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था। तो मैंने रिक्की भैया से बोला था कि जब भी वो वापस आएँ तो मुझसे ज़रूर मिलाएं। तो अभी वो आए हुए हैं, मुझे पता चला कि परसों ही आए यहाँ, तो कल मैं उनसे मिला और आज मैंने उन्हें अपने घर पे बुलाया है कि थोड़ा देर कम से कम साथ में बिता लेंगे, मतलब मिल लेंगे, अच्छे से जान लेंगे। तो साथ में और भाई मेहमान है, तो उनको थोड़ी मेहमान नवाजी, थोड़ा खाना पीना घर पर हो जाए, इसलिए उनको आज घर पर बुलाया। तो थोड़ी देर में वो आने वाले हैं 11-12 बजे तक। और मुझे एक और काम है, मुझे जाना है अपनी बाइक के इंश्योरेंस के लिए आज, तो वो करवाना है। करीब 2800-2900 रुपये का पड़ रहा है एक साल का, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, तो वो कराना है। तो यही है 2-3 काम जो कि मेरे कराने हैं। और चलिए देखते हैं वो कब तक में आते हैं, और खाना वाना सब रेडी हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलाता हूँ आपको मैं इनिकी भाई से, और जो हमारे स्पेनिश राइडर हैं उनसे मिलते हैं। हेलो, सो वी हैव इनिकी इन आवर हाउस। हाउ आर यू गाइस? से हेलो टू एवरीवन। हेलो गाइस। ओके, सो ही केम इन आवर होम एंड वी हैव रिकी भैया आल्सो, रिकी जीटी वाला। सो ही केम, ही इज अ स्पेनिश राइडर एंड ही केम टू मीट हियर। ही टेक हिज बाइक अराउंड 2 months बिफोर ही मेट एन एक्सीडेंट। सो अभी बस आए हुए हैं और अपना सब सामान वामान बाइक वाइक लेके जाएंगे यहाँ से बनवा बनवा के। तो अभी खाने वाने में बुलाया क्योंकि मेहमान है भाई, मेहमान नवाजी करके भेजेंगे। खाना वाना हो गया और रिकी भैया जा रहे हैं अब, और इनकी भाई, ये इनकी बाइक, लेट मी शो देम दिस बाइक, दिस इज द बाइक। ये मेरी बाइक, ये इनकी, ये बच्चा लग रही है इसके सामने। आई हैड एन एक्सीडेंट एंड ही हैड एक्सीडेंट, ये यहाँ पे टूट गया था पूरा ये, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बाइक है ये। कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन यू कम टू इंडिया, विजिट इंडिया, देन कम हियर ऑल्सो। I will come back to Rima for sure. Sure. I have many friends here. Okay. तो ये है मेरा हेलमेट जो कि मैं बाइक राइड करते समय यूज़ करता हूँ, और ये है एक स्टिकर जो मुझे इनिकी भाई ने एज अ गिफ्ट दिया है। इस पर लिखा है वाइकिंगो सोबर रूडास, ऐसे कुछ लिखा हुआ है अजीब सा। तो ये उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, और साथ ही साथ ये स्टिकर वो अपने मतलब फ्रेंड्स, राइडर फ्रेंड्स जो भी होते हैं उनको देते हैं, तो ये मुझे भी उन्होंने दिया, और जिसका मतलब होता है वाइकिंग ऑन व्हील्स। तो ये मैंने अपने हेलमेट के पीछे लगा दिया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने यहाँ पीछे भी लगाया, और हेलमेट अब मेरा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा पुराना हो गया है बट हाँ, मज़बूत है, स्टील बर्ड का हेलमेट है तो अच्छा है। तो हमारे जो स्पेनिश भाई हैं वो आए थे और खाना वाना खाया, उन्होंने उनको खाना बहुत पसंद आया, हमारे घर का खाना। मैंने उनको नॉर्मल जो हमारे घर में खाना दोपहर में होता है, दाल चावल, वो सब खिलाया, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करे थे। और अभी वो चले गए हैं वापस अपने होटल, 1-2 दिन अभी वो रीवा में और रहेंगे। तो देखते हैं अगर कहीं और घूमने का प्लान बनता है उनको रीवा कहीं घुमाने का, तो वो रीवा घुमाएंगे और फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे अपने वर्ल्ड टूर पे जो वो बाइक से कर रहे हैं। यहाँ से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना से वापस जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उनका ये वर्ल्ड टूर है और उसमें लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से बात करते हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बोलो कि घर पे भी आए थे तो सबसे बहुत अच्छे से मतलब मिले, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलनसार आदमी है, तो अच्छे हैं। और उनके रीवा में मतलब उन्होंने बोला कि हम रीवा मेरे लिए अब एक घर जैसा है, तो अच्छा लगा कि उनको रीवा पसंद है हमारा। बाकी ठीक है उनका, बस एक ही चीज़ मुझे बुरा लगा कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका वो जो गोप्रो है वो चोरी हो गया था जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था। तो यही एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि इंडिया में उनका एक ये चीज़ जो है कि उनको हमेशा रहेगा, कि तो उन्होंने वो नया कैमरा लिया है। तो बस यही है। और गया था मैं, मेरे को मेरे बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, तो गया था मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम इंश्योरेंस का पता करने। तो करीब 2900 रुपये का मेरे थर्ड ईयर का इंश्योरेंस जो है वो रहेगा, फर्स्ट पार्टी, तो वो करवाना है मुझे, बट अभी थोड़ा लेट हो गया था, कल करवाऊँगा टाइम मिलता है तो, संडे को। और क्या है, फिर
बाइक मेरी एवरेज बहुत कम दे रही है इस पे, एक किसी अलग वीडियो पे बात करते हैं। एवरेज मेरी बाइक का बहुत ही ज़्यादा कम है इस समय, मतलब मैंने फुल टैंक कराया था और अभी सिर्फ 250 किलोमीटर के करीब ही चली, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि एक मतलब पता नहीं कोई दिक्कत है कि क्या, तो एक बार वो भी दिखाना है। बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा लुक, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, ब्लैक हो गई, अभी तक सफ़ेद नहीं हुई है, और बाल अब बड़े हो गए। लास्ट टाइम जब सर मैंने ब्लॉग बनाया था तो छोटे छोटे बाल थे मेरे, अभी बड़े हो गए, तो ये ऐसा अभी दिख रहा है, थोड़ा सेट करवा लूँगा। क्या निकल रहा है मुझसे मुझे भी नहीं पता चल रहा है, बस यही है आज का, बस एक छोटा सा ऐसे मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि पहले जब वो आए हुए थे इंडिया तो मैं नहीं मिल पाया था, और वो फिर वापस अपनी कॉलर बोन के ऑपरेशन के लिए चले गए थे स्पेन वापस, बाइक उनकी यहीं रखी हुई थी रिकी भैया के घर पे, पीयूष भैया के घर पे, तो अभी वो वापस आए हैं अपनी बाइक लेने, तो बाइक लेंगे और अपनी वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। तो इस बार मैंने भैया से बोल के रखा था कि अगर वो आएंगे तो मुझे मिल जाएगा ज़रूर, तो जब मैंने भैया का स्टेटस देखा कि वो आए हुए हैं तो भैया को मैंने कॉल किया कि मुझे मिलना है, बोले ठीक है, तो गए मिलने, तो कुछ दोस्तों को मिलाया मैंने, और फिर मैंने बोला कि अब भाई आए हैं तो अब उनको यहाँ का खाना, क्योंकि भाई बाहर अब बाहर से आए हैं तो रोज़ बाहर का ही खाना खा रहे हैं, घर का खाना खिलाते हैं, ले आइए घर पर, तो भैया बोले ठीक है ले आते हैं, तो फिर आए घर का खाना खाए, अच्छा लगा उन्हें। मेन तो बात ये कि उन्हें खाना पसंद है, और उन्होंने भी बताया कि उनके भी जैसे इंडिया में खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ है, उनके स्पेन में भी ऐसे ही है खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ है, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि थाली में खाना वाना नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साइड पर भी ऐसा है कि थाली में खाना वाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब उनकी अच्छी लगी मुझे, और मेरी हमारी भी उनको अच्छी लगी, इंडिया की जो चीज़ें हैं थोड़ी सा, और बस ये तो फिर ठीक है, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अभी मुझे जाना हॉस्पिटल जाना है संजय गांधी कुछ काम से, मेरी एक सिस्टर है वो एडमिट है, मेरी सिस्टर जो है उनको छोटी सिस्टर आंटी की लड़की है, उसको जॉन्डिस हुआ है तो एडमिट है, तो वहीं अभी जाएंगे, जा रहा हूँ खाना वाना पहुँचाने, और वहाँ जाना पड़ेगा। तो बस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कल कहीं संडे को कहीं घूमने का प्लान होता है तो उसका अलग से ब्लॉग डालेंगे। रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ पाते क्योंकि यार देखो टाइम नहीं मिल पाता, मेरा काम ही ऐसा, मैं घर पे बैठा रहता हूँ लैपटॉप लेके, अब उसमें क्या दिखाऊँ रोज़ एक ही चीज़ कहीं ज़्यादा घूमना भी नहीं होता, और नॉर्मल अगर थोड़ा 10-5 मिनट के लिए तो उसमें कितना ही ब्लॉग बन जाए, तो ब्लॉग नहीं हो पाता है। जब भी अगर कहीं मौका मिलता है तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और रेगुलर हो जाऊँगा जब थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब तक के लिए सब।